ओके स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था, तो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ कॉइल इटसेल्फ देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस। की मतलब खुद ही कॉइल में करंट फ्लो होता है और जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ पे कॉइल में खुद ही कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। दूसरा कंसेप्ट हम आज देख रहे हैं, दैट वन इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इन अ म्यूचुअल इंडक्टेंस एज पर नेम म्यूचुअल इंडक्टेंस हम किसको कहते हैं, तो एज शोन इन अ फिगर, जिसे हम फिगर में देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, दो कॉइल है जिसको हम बोल देते हैं कॉइल वन एंड कॉइल टू। ये हमारा C1 कॉइल है और ये हमारा C2 कॉइल है। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ वन कॉइल देन द ईएमएफ इंड्यूस इन अ अदर कॉइल। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ वन कॉइल देन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अदर कॉइल। मतलब ये तो क्या हुआ, म्यूचुअली दोनों क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट हुए कि भाई एक कॉइल में जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं उसकी वजह से दूसरी कॉइल में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। As shown in figure, when current from a coil C2 changes, then the flux link with a coil C1 also get change. And EMF is induced in a coil C1. और C1 coil में EMF induced होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जब भी ये कॉइल में करंट फ्लो होता है उसकी वजह से दूसरी कॉइल में क्या हो रहा है, तो दूसरी कॉइल में यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो एज शोन इन फिगर व्हेन करंट फ्रॉम कॉइल C2 चेंजेस देन द फ्लक्स लिंक विद कॉइल C1 आल्सो गेट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन अ कॉइल C1 सीवन कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सीवन इज N1, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सीवन is N1, then the net flux N1 I1 is directly proportional to I2। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाई दूसरी कॉइल में सपोज इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कंसीडर करो C2 कॉइल में कितना करंट I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ये I2 करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कपल्ड विद द कॉइल C1 एंड बिकॉज ऑफ दिस The magnetic flux in a C1 is changed, and because of this, if here we see that when the current in a C2 coil is increased, then the flux is also in the C1 coil is increased. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई N1 Φ1 is directly proportional to, तो इसका proportionality constant जैसे हमने self inductance में लिया था, N is a proportionality constant, self inductance. तो यहाँ पे क्या होगा? M12 into I2.
तो दिस इज एम वन टू इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस. एम वन टू इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस. इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, अब यहां पे क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हम M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको मिला, ये तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई C2 कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से C1 कॉइल में EMF इंड्यूस होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कपल होता है. तो यहाँ पे हम EMF लेते हैं तो EMF इन अ C1 कॉइल इज इक्वल्स टू माइनस M. Okay. तो यहाँ पे EMF epsilon 1 equals to क्या हुआ minus M12 d I2 by d of t. तो ये हमको क्या मिला कि EMF in a coil C1 due to the current flowing in a coil C2. Now similarly हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई जो गैल्वेनोमीटर और जो सप्लाई हमने यहाँ पे दिया है उसको हम रिवर्स कर लेते हैं, मतलब इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं. सिमिलरली ईएमएफ इंड्यूस इन सी टू कॉइल इज कि भाई हमने क्या किया कि ये जो बैटरी और की है उसको हमने C1 कॉइल से कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर को हमने C2 कॉइल से कनेक्ट कर दिया. तो एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू माइनस M21 di1 by dt माइनस M21 di1 by d of t. तो ये हमको मिल गया EMF इन अ कॉइल C1 due to the current in a flowing current flowing in a C2 coil. और ये हमको मिल गया EMF in a C2 coil due to the current flowing in a C1 coil. तो कि हमको यहाँ पे दोनों EMF मिल गए. दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है. और M12 और M21 क्या है वो हमको पता है. M12 और M21 is a म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द C1 एंड C2 कॉइल. अब यहाँ पे जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में देखा था दोनों की डेफिनेशन हमने देखी थी, सेम एस हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं. तो ये डेफिनेशन हमको कैसे मिलती है, तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे बात करें तो डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं. तो एप्सिलॉन वन इक्वल्स टू माइनस एम वन टू डी आई टू बाई डी टी है और दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है एम वन आई वन एन वन आई वन इक्वल्स टू एम वन टू इंटू आई टू. ओके, तो सपोज हम यहां पे कंसीडर करते हैं कि फ्लक्स I1, द फ्लक्स I1 लिंक विद द कॉइल C1 व्हेन द करंट इन अ कॉइल 1 इज, या हम इसका रिवर्स भी कंसीडर कर सकते हैं कि द फ्लक्स I2 is net flux flux in C2 coil when current in C1 coil main current in C1 coil is I1. So I2 equals to I2 equals to M M21
इनटू आई वन। ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये नेट फ्लक्स हमने क्या किया कि टोटल फ्लक्स हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि भाई एन टू था, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी हमने इसमें कंसीडर कर लिए, तो फाइव टू हमने क्या लिया है, टोटल फ्लक्स लिया है ना। इफ वी कंसीडर दैट करंट इज अ 1 एम्पीयर, आई वन इक्वल्स टू 1 एम्पीयर इफ द यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन अ कॉइल 1, तो यहाँ पे फाइव टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फाइव टू इक्वल्स टू हो जाएगा एम टू वन। जब करंट यहाँ पे 1 एम्पीयर हो जाएगा तो यहाँ पे फाइव टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो फाइव टू इक्वल्स टू हो जाएगा एम टू वन। तो यहाँ पे द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ वन ऑफ द कॉइल ऑफ अ सिस्टम, द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्स लिंक विथ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ वन ऑफ द कॉइल ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स पर यूनिट करंट पासिंग थ्रू द अदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम फॉर्म बाय द टू कॉइल। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन ऑफ द कॉइल, वन ऑफ the coil of a system of two coil, one of the coil of a system of two coil when the current में कॉइल करंट पासिंग थ्रू यूनिट कॉइल, यूनिट करंट पासिंग थ्रू अदर कॉइल is equal to mutual inductance of the system of two coils, सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या है, तो हमने जैसे यहां पे लिया फाइव टू नेट फ्लक्स है इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस एम वन, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ वन ऑफ द कॉइल ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू कॉइल, मतलब दो कॉइल के सिस्टम में एक कॉइल में जितना फ्लक्स कपल्ड होता है कब, कब, जब दूसरी कॉइल में यूनिट करंट पासिंग थ्रू अदर कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, मतलब दूसरी कॉइल में जब यूनिट करंट पास होता है तब जो सेकेंड कॉइल है, सेकेंड कॉइल में यहाँ पे जो हमको नेट फ्लक्स मिलता है इज इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो कितना होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना होता है। ओके, तो ये हुई फर्स्ट डेफिनेशन, अब हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं। तो सेकेंड डेफिनेशन में जैसे हमने यहाँ पे लिया था म्यूचुअल
म्यूचुअल इंडक्टेंस में जो हमने ईएमएफ कैलकुलेट किया है, फर्स्ट वन, एंड दिस वन इज द सेकेंड वन. ओके, तो सेकेंड में हमने क्या लिया था, सपोज एप्सिलॉन वन इक्वल्स टू माइनस एम वन टू डी आई टू बाय डी ऑफ टी. ओके, तो यहां पे इफ वी कंसीडर दैट डी आई टू बाय डी टी इज इक्वल्स टू वन एम्पियर पर सेकेंड, कितना करंट फ्लो रहा है, 1 एम्पियर पर सेकेंड जितना करंट फ्लो होता है, तो उस टाइम पे एप्सिलॉन वन इक्वल्स टू क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो एम वन टू कितना होगा, एम वन टू. तो यहाँ पे इसकी दूसरी डेफिनेशन को हम यहाँ पे स्टेटमेंट स्टेट करें तो क्या होगा, द म्यूचुअल ईएमएफ जनरेटेड इन वन ऑफ द टू कॉइल्स ड्यू टू अ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कॉइल्स. तो द म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस इन वन ऑफ द कॉइल व्हेन यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग अदर कॉइल देन इट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस. Inductance of the system. Of the system. मतलब कि जैसे हमने एक कॉइल में जितना ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होता है, ओके, बिकॉज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू अदर कॉइल, then it is equal to mutual inductance of the system. जब हम ये याद रख लेते हैं तो उसपे से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ओके, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस से दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखने और दोनों डेफिनेशन ध्यान में रखनी है. लिख तो इसको फटाफट, आगे हम इसका सोलेनोइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डिराइव करते हैं.
derived formula for mutual inductance for two very long coaxial solenoid. जैसे हमने एक long solenoid के लिए हमने यहाँ पे mutual inductance निकाला था, same to same हम यहाँ पे long coaxial, two long coaxial solenoid के लिए हम mutual inductance derive करते हैं. Derive म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू और टू वेरी लॉन्ग सोलेनोइड for two very long solenoid दो सोलेनोइड हमने यहां पे बनाए हैं S1 ओके, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1, जिसकी लेंथ हम लेते हैं L1 ओके, जिसकी लेंथ हम L, दोनों की लेंथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दोनों की सिलेंडर की कोएक्सियल सोलेनोइड की L लेंथ हम कंसीडर करते हैं. दूसरी कॉइल है जो ब्लू कलर से है H2 कॉइल ओके, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम N2 कंसीडर करते हैं. दोनों में करंट I1 और I2 करंट यहाँ पे फ्लो होते हैं. दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 एंड I2 करंट यहाँ पे फ्लो करते हैं. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कंसीडरेशन हमने लिए हैं. कंसीडर लॉन्ग सोलेनोइड, कंसीडर लॉन्ग सोलेनोइड विथ लेंथ L, विथ लेंथ L एंड एंड नंबर ऑफ टर्न्स for S1 solenoid is N1 and number of turns for S2 solenoid is N2 ओके. तो हमने क्या लिया है कि भाई एक L लेंथ का सोलेनोइड लिया है जिसमें दो कॉइल है S1 एंड S2. नंबर ऑफ टर्न्स फॉर द S1 इज N1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स फॉर S2 सोलेनोइड इज N2. तो S1 के लिए N1 है, S2 के लिए N2 है. तो यहाँ पे हम ये कंसिडरेशन के साथ यहाँ पे हम इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिराइव करते हैं. तो लेट्स सपोज व्हेन अ करंट I2 इज सेट अप, व्हेन अ करंट
is set up in H2 solenoid and a magnetic field and a magnetic flux I1 is phi1 equals to, तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n1 phi1 equals to क्या होगा, तो equals to m12 into I2, mutual inductance का formula m12 into I2, ओके, इसको इक्वेशन वन दे दो, जो हमने आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखा कि दो कॉइल है, पहली कॉइल में कितना फ्लक्स कपल्ड हो रहा है N1 phi1 जितना, किसकी वजह से, तो दूसरी कॉइल में I2 करंट फ्लो होता है उसकी वजह से इतना फ्लक्स हमको यहाँ पे मिल रहा है, ओके, अब यहाँ पे M12 क्या है, तो M12 इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M12 क्या है, M12 is a mutual inductance. Now, N1 phi1 हम यहाँ पे ले रहे हैं. N1 phi1 equals to हम क्या consider कर सकते हैं? तो M1 phi1 equals to N1. Okay. N1 a1 into B2, क्योंकि फ्लक्स पहले में है बट किसकी वजह से, दूसरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो यहाँ पे N1, ओके, A1 क्या है, तो A1 pi r square क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो N1 को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं, N1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन अ वन कॉइल, तो N1 इनटू लेंथ है हम ले सकते हैं, और A1 रेडियस इसका हम पाई आर स्क्वायर कंसीडर करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, एंड B2 तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, म्यू नॉट एन आई, क्या है, म्यू नॉट एन आई, बट B2 है इसलिए म्यू नॉट इनटू I2, तो यहां पे म्यू नॉट N2 pi r square mu naught N1 N2 pi r square into L into I2 L into I2 अब यहां पे इसमें हम देखते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 अगर हमको लिखना है M12 हम कंपेयर द इसको फॉर्मूला 2 दे दो इसको फॉर्मूला 2 दे दो नाउ नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 नाउ कंपेयर द इक्वेशन 1 and 2 आई स्क्वायर इंटू एल M12 इक्वेशन क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 पाई स्क्वायर इंटू
एयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको ये एक म्यूचुअल इंडक्टेंस मिला जिसको हम, तो ये हमको क्या मिला कि भाई दूसरी कॉइल में करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से पहली कॉइल में जो फ्लक्स कपल हो रहा है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमको यहाँ पे मिल रहा है। नाउ कंसीडर दैट द करंट सेटअप इन कॉइल वन इज आई वन एंड टोटल फ्लक्स इन कॉइल टू इज N2 I2 equals to M21 into I1। पहली कॉइल में कितना करंट है? I1 करंट है जिसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? M21 है, तो उसकी वजह से I1 कॉइल करंट की वजह से दूसरी कॉइल में कितना करंट यहाँ पे सेटअप, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो रहा है, तो N2 I2 जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे सेटअप हो रहा है। सो N2 phi 2 equals to N2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो N2 into L। ओके, सॉरी, चलो इसको एक स्टेप आगे लिख लेते हैं। तो N2 A2 B1 इसको रिप्लेस करते हैं N2 into L A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर कंसीडर करते हैं और B1 म्यू नॉट N1 I1 क्या है? म्यू नॉट N1 I1। तो यहां पे N2 phi 2 equals to क्या मिलेगा? म्यू नॉट N1 N2 pi r square into L into I1 2I1। ओके, इसको आप दे दो फॉर्मूला 4, दिस वन इज अ 5। ओके, दिस वन इज अ 5, यू नो N1 into pi r square L into I1। Now compare the formula 4 and 5. Okay, beta. Four और five को हम compare करते हैं, तो हमको
ठीक, एम टू वन हमको क्या मिलेगा, म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर इनटू एल। अब आप एम वन टू इक्वेशन थ्री देखो और इक्वेशन सिक्स देखो, तो दोनों कैसे है कि भाई दोनों म्यूचुअल, दोनों कॉइल में दोनों क्या है, म्यूचुअली कपल्ड कॉइल सोलेनोइड है। दोनों कैसी कॉइल है, म्यूचुअली कपल्ड कॉइल और म्यूचुअली कपल्ड सोलेनोइड है। ओके, जिसकी वजह से जितना करंट हम एक कॉइल में पास करते हैं और जिसकी वजह से जितना फ्लक्स दूसरी कॉइल में कपल्ड होता है उतना ही करंट हम दूसरी कॉइल में देंगे, तो सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स पहली कॉइल में भी कपल होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम द इक्वेशन सिक्स एंड फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड सिक्स वी से दैट एम इक्वल्स टू म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो ये हमको मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। ये भी हमको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, लिख लो इसको। Yeah, yeah.